ताज़ातरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। हक़ पाकिस्तान न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद जुनेद असदी। कराची में मामूली तकरार पर नौजवान जुजलान फैसल का लर्ज़ खेज कत्ल कर दिया गया। जुजलान ICMA का तालिब इल्म था। दिल दहला देने वाला अफसोसनाक वाकया पेश आया है। हर आँख अश्कबार है। आपको बताते चले कि 24 मई की रात को सुपर हाईवे पर वाक़े निजी हाउसिंग सोसाइटी बहरिया टाउन में मोहम्मद हसैन फैज़ नामी नौजवान मोटरसाइकिल पर करतब कर रहा था कि गाड़ी में सवार नौजवानों ने मोटरसाइकिल राइडर को मना किया तो दोनों में तर्क कलामी हो गई। जुजलान जब बहरिया टाउन में आईफेल टावर के सामने पहुंचा तो उन पर पीछा करने वाले तीन मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, जिससे एक गोली जुजलान के सर पर जाकर लगी और वो मौके पर ही शहीद हो गया है। जुजलान के एक दोस्त शमीर के भी गोली सर पर लगी, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गया है। जुजलान फैसल बचपन में यतीम हो गया था। उनके वालिद एक हादसे में 10 बरस कबल फौत हो गए थे। जुजलान की वालदा ने दूसरी शादी कर ली थी। जुजलान का ज़्यादातर वक्त अपने दादा दादी के साथ ही गुजरता था और वो अपनी दादी तस्लीम साबिर को ही अम्मी कहकर पुकारते थे। सिर्फ एक मामूली बात पर आप किसी को मार दें, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सा कानून है? ये कौन से मुल्क में हम रहते हैं? मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए हक़ पाकिस्तान न्यूज़।